हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है आज इसी की बात करेंगे। टैली प्राइम में पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी पार्टी को पेमेंट देना है या फिर आपको किसी पार्टी से पेमेंट रिसीव करना है और उस दौरान किसी एक पार्टी के पास जो पैसे देना चाहती है उसके पास उसके अकाउंट में पैसे ना हो या उसके पास पैसे की अवेलेबिलिटी ना हो, तो उस कंडीशन में आपको एक पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री करनी होती है। तो पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये हो गया कि अगर आपने सामान खरीदा 1 जुलाई को और उसका पेमेंट आप करेंगे 1 अगस्त को, तो आप उसे पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू करेंगे तो पोस्ट डेटेड चेक दे देंगे। तो पोस्ट डेटेड चेक का मतलब आप उसी डेट पर उसकी एंट्री होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 जुलाई को सामान खरीदा और 1 अगस्त को पेमेंट आपको करना है चेक के थ्रू, तो आप 1 अगस्त का चेक देंगे और उसी डेट पर उसकी एंट्री भी पास हो जाएगी, उसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। तो चलिए देखते हैं कि टैली प्राइम में इसकी एंट्री कैसे हो सकती है। देखिए यहां पर हमारे पास एक कंपनी है, एक बल्कि क्रेडिटर पार्टी है, प्रिया फार्मा। तो यहाँ पे देखिए जैसे पी प्रेस करता हूं तो ये क्रेडिटर पार्टी है हमारी और इसका कुल मिलाकर के 44,765 रुपए बकाया है, ठीक है। अगर मैं इसे पोस्ट डेटेड के थ्रू देने की कोशिश करता हूं, देखिए अभी तो यहां से पहले यहां आ जाते हैं, यहां पे नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है पोस्ट डेटेड, या तो आप यहां माउस से क्लिक कर दें या फिर आपको कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना है, तो आप कंट्रोल के साथ टी प्रेस कर दीजिए। यहां पर आपको दिखेगा पोस्ट डेटेड, ये दिख रहा है। तो पोस्ट डेटेड जैसे ही आएगा तो मान लीजिए कि 1 अगस्त को खाते में पैसे ना हो तो ये एंट्री 1 सितंबर को पास की जाएगी। तो यहाँ 1/9/2020 कर देता हूं मैं, ठीक है, और इस दौरान जो है यहां पर भी कर दीजिए आप 1/9/2020 इस तरीके से, तो 1/9/2020 हो गया, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे प्रिया फार्मेसी आ गया, अब कुल मिलाकर के 44,765 रुपए है, तो 44,765 यहाँ पे कर दिया हमने, एंटर किया, ठीक है। अब ये अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो हमने एक बैंक अकाउंट खोल रखा है, कंट्रा वाउचर में जाकर के ये बैंक अकाउंट बनाया हमने और इसमें कुल मिलाकर के 55,235 रुपए बचे हुए हैं, तो हम इनको पेमेंट कर सकते हैं अभी, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब यही होता है कि जिस डेट का चेक देंगे एंट्री उस डेट पे होगी, ये बात याद रखिएगा। तो ये हो गया, अब एंटर प्रेस करते हैं, इनको पेमेंट जा रहा है SBI के थ्रू, ठीक है। एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करने के बाद इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। ये देखिए ये डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी, देखिए यहाँ पे ये डिटेल आ रही है, तो ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लें एंटर प्रेस करके, एंटर प्रेस करके और इसे करा लीजिए अब एक्सेप्ट। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये PCD इशू डेट यहां पे करना है 1/9/2020, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए, अब यहां पर कुछ नोट देना चाहते हैं तो नोट दे दीजिए, अदरवाइज नरेशन यहां पे डाल सकते हैं, फिलहाल छोड़ता हूं और इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कराता हूं। तो ये हो जाएगी पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री। इसी तरह से आप रिसीव वाउचर में भी एंट्री पास कर सकते हैं, पोस्ट डेटेड चेक रिसीव करने की एंट्री वहां पास की जाएगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।